आप सभी को हमारा नमस्कार आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पेट साफ करने के लिए एक देसी दवाई के बारे में बताया था जो इस बीमारी की रामबाण औषधि है जिसको आप 10-20 रुपए में महीने भर के लिए तैयार कर सकते हो अगर आप भी पेट की बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको भी इस दवाई का पूरा कोर्स करना चाहिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देखिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों उस दवाई का पूरा कोर्स करने के बाद आपको बिना ब्रेक लिए दूसरी जिस दवाई का यूज करना है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों इस दवाई के फायदे भी हैं और नुकसान भी इसलिए अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो फिर नुकसान जाने बिना इसका यूज मत करना इसलिए वीडियो को नुकसान वाले पॉइंट तक जरूर देखना दोस्तों ये दवाई आपको मार्केट से बिल्कुल तैयार मिल जाएगी लेकिन इसको बनाने का सही तरीका काफी लोगों को नहीं पता है जिस कारण ये आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाती है तो इसका फायदा पाने के लिए आप इसे घर पर खुद बनाइए इसे बनाने के लिए आपको पहले चाहिए आंवला दोस्तों आपको वही आंवला लेकर आना है जिसे काट कर धूप में सुखाया गया हो जो दिखने में भूरे रंग का दिखता है अगर दूसरे तरह का आंवला आप लाते हैं तो ये चूरण आपको फायदा नहीं पहुँचाएगा आपको करीब डेढ़ सौ ग्राम आंवला इसके लिए लेना है फिर आपको लेना है सौ ग्राम बहेड़ा ध्यान रखना इसमें नमी ना हो अगर नमी है तो इसे धूप में सुखा लें अब हमें लेना है जो काफी जरूरी है वो है हरड़ लेकिन काफी लोग इसमें बड़ी हरड़ का यूज करते हैं जिस कारण उनका पेट साफ नहीं होता है और उन्हें कोई फायदा नहीं होता है इसलिए आपको इसमें छोटी हरड़ का यूज करना चाहिए तो ये चूड़न आपको पहली बार में ही पूरा फायदा करेगा आपको करीब पचास ग्राम छोटी हरड़ लानी है आप चाहो तो इनकी मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मात्रा तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुसार ही हो अब आप इन तीनों को ग्राइंड कर लें, फिर इसको छान कर एक डिब्बे में रख लें। इस चूडन को मार्केट में त्रिफला के नाम से जाना जाता है और शायद आप भी जानते होंगे या आपने इसका यूज भी किया हो और आपको इसका फायदा ना पहुंचाओ तो फायदा ना पहुंचने का कारण इसको बनाने का गलत फार्मूला हो सकता है तो आप इसको घर पर बनाइए और एक बार फिर से यूज कीजिए पहली बार में ही आपको आराम देगा और बीमारी को जड़ से खत्म करेगा अब बात करते हैं इसके लेने की आप रात के समय सोने से पहले एक या आधी चम्मच त्रिफला को गुनगुने दूध या पानी के साथ ले सकते हैं दूध में आप गुड़ या चीनी मिला सकते हैं अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की पहले बात करते हैं इसके फायदे की यह पेट साफ करके कब्ज से मुक्ति दिलाता है पाचन तंत्र मजबूत करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है और भी कई फायदे पहुंचाता है अब बात करते हैं इसके नुकसान की प्रेग्नेंट और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला पांच साल से छोटे बच्चे इसे ना लें इससे ज्यादा मात्रा में ना लें अगर कोई और दिक्कत हो जैसे पतले दस्त आना ज़्यादा नींद आना तो आप इसको कम मात्रा में लें आशा करता हूँ कि ये वीडियो और जानकारी दोनों आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए फायदेमंद होंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही अब हमें आज्ञा दीजिए